एक्सपीरियंस कैसा रहा श्रीदा के साथ और थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गाना बहुत अच्छा है। पूरी टीम को शुक्रिया जिन्होंने गाना बनने से लेकर के इसको आखिरी कट होने तक में हर किसी ने साथ दिया है और चार चांद लगाया है त्रिधा ने इस गाने में आके। आप देख भी रहे हो सीरियसली टीम एफर्ट है, सीरियसली टीम एफर्ट है, मगर आपका इस गाने में होना इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। सो धुआं धुआं है अभी तक इनको लोग हमेशा, जहां तक मैंने सुना है कि आश्रम फेम, अब तो ये आपके ऊपर है कि धुआं धुआं गर्ल, धुआं धुआं गर्ल, धुआं धुआं गर्ल। आश्रम में बहुत धुआं होता है ना। आप बताइए। I think मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, my base is classical. I still feel मैं रिहर्स कर सकती थी, बेहतर दे सकती थी। I think I always criticize my own work. मुझे लगता है मैं हमेशा बेहतर कर सकती हूँ, बट एक साथ हमने enjoy किया था, that is the best part. हम सब ने बहुत enjoy किया गाना, डांस करना, गाना एक साथ, that was enjoyable. प्रणव जी, आपके लिए फिर एक डिजिटल मीडियम है, यूट्यूब है, वहाँ पे यू नो म्यूजिक आर्टिस्ट यूट्यूब की जगह पे अपने सॉन्ग निकालते हैं, लेकिन अक्सर देखा है कि कई बार ये सिर्फ एक शायद यूट्यूब एक्सरसाइज बन के रह जाती है कि गाना निकाला गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि उसको रिलीज करके। तो ना ऐसे दौर में यू नो ऑब्वियसली आप एक अच्छा गाना लेके आते हैं, तो यू नो लिसनर्स को आकर्षित करने के लिए यू नो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे। थैंक यू, पहले तो आपने हमारे गाने को सराहा, थैंक यू सो मच। हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अभी किसी फॉर्मेट पर नहीं जा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। हम अपना पूरा एफर्ट, हमारी पूरी टीम अपना पूरा एफर्ट गाना बनाने में दे रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट को साथ लाने में दे रहे हैं और गाना अच्छा बन रहा है। बस ये ईमानदारी हमारी टीम में, मुझ में, हम सब में बनी रहे तो हम अच्छा गाना आपको देते रहेंगे। मुझे तो खैर क्लबिंग का इतना कुछ हालत नहीं है, बट मेरे दौर में जो मैंने सुना है, एक आध बार में गया होगा, तो उस दौर में शायद 80s-90s में क्लब्स में ज़्यादातर अंग्रेजी गाना रखते हैं, और इसलिए ये गाना जो है इसकी धुन जो है एकदम देसी है, एकदम ज़मीन से जुड़ी लगती है। तो इस चीज़ को आपको यू नो ऐसे गाने को फिर एक क्लब सेटिंग देना, इसके पीछे की सोच ज़रा बता। कहीं से उस दौर के नहीं लगते, पहले ये बताओ, ये तो आजकल वाले लगते हैं। मुझे लगता है गाना एक चीज़ है, बहुत टाइमलेस है, कोई भी गाना पकड़ लीजिए आप। आई थिंक गाना ऐसा होना चाहिए कि आप आज सुने, कल सुने, बार बार सुने, दैट इज हाउ इट शुड बी। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्लब के लिए बना हुआ है, आप गाड़ी में भी सुन सकते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट करते समय आप सुन सकते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ आई पिक्चर द सॉन्ग। प्रणव, मेरा सवाल है आपसे, एक सवाल है कि भाई आपने इस गाने को लिखा है, आपने इसे पेन डाउन किया है, आप क्या जब ये गाना आप लिख रहे थे तो उसी वक्त सोच लिया था कि भाई इस गाने में जो आपके साथ फीचर करेंगी वो त्रिधा चौधरी होंगी, तभी सोच लिया था या फिर इनकी कास्टिंग बाद में हुई, कैसे इनकी कास्टिंग हुई? हर काम का अपना किस्मत होता है, इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस गाने को त्रिधा चौधरी मिली, और जब मैं लिख रहा था उससे ज्यादा मजबूती की बात यह है कि इस पे म्यूजिक जो दिया विवियन रिचर्ड ने, उन्होंने पहले मुझे म्यूजिक दिया कि आप इस पे लिखो, तो ये पूरा श्रेय संगीत का विवियन रिचर्ड हो जाता है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। सुधा, आप तक कैसे पहुंचा गाना, आप कैसे कास्ट हुई इस गाने में कि भाई धुआं धुआं में आपने उसके साथ कास्ट हुई? मेरे ख्याल से काफी देर तक हम लोग की टीम बातचीत कर रही थी कुछ गाना एक साथ करेंगे, तो मुझे डेफिनेटली गाना काफी अच्छा लगा और बस मेरी टीम की क्रिएटिव हेड है श्रुति शुक्ला, उसको थैंक यू, उसके कारण त्रिधा चौधरी इस गाने में। मैंने जैसे कहा कि देव थापे ने किया है डायरेक्शन, ही इज डेफिनेटली डन, देव थापे एंड ऋषि, ऑफ कोर्स ऋषि एज वेल, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने ऑनेस्टली बोला, मुझे लगता है मैंने और रिहर्स करती तो और बेहतर परफॉर्म कर पाती, बिकॉज आई ऑलवेज आई एम नॉट टू हैप्पी विद माई वर्क, बट सबको आई होप अच्छा लगा एंड कुडंट हैव डन इट विदाउट द अमेजिंग टीम। श्रीदा, और भी किस तरीके के परफॉर्मेंस में हम आपको देख सकते हैं, बिकॉज टिल नाउ एवरीवन नोज दैट आफ्टर आश्रम त्रिधा चौधरी, बट इज इट सो विल यू कम विद दिस सच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दैट त्रिधा विल बी मोर एंड मोर फेमस? एक्चुअली लास्ट 2 साल तक मैं शूटिंग करी थी काफी सारे फिल्म्स के लिए जो इस साल रिलीज होने वाले हैं, सो दिस इज अ ईयर फॉर रिलीजेस फॉर मी, म्यूजिक वीडियोस, मूवीज, and I'm very excited for it, so aap log ko jaldi pata chalega. What will be that many more, if you would like to give some of the hint to the audience? One of them is with Jio Studio, that's all I can tell you. Wow.
फिर अगर डांस स्टेप्स की बात करें ओनली व्हेन इट इन्वॉल्व्स बूटी एंड इट इन्वॉल्व्स व्हाट बूटी ओके इट्स जस्ट आई थिंक दैट्स द वर्ड कोरियोग्राफी तो वो स्टेप्स करो स्क्रीन पे लाना आई थिंक एक चाइल्ड रहता है कि इंश्योर करने की वो एक ग्रेसफुल रहे राइट उसके बारे में जरा नहीं डायरेक्टर को मैं यू हैव टू ऑलवेज ट्रस्ट योर डायरेक्टर कि वो क्या काम निकलवा रहे हैं आपके साथ एंड आई डोंट थिंक आज कुछ भी वल्गर लगता है इट्स एग्जीक्यूटेड डांस एक चीज है बहुत आप क्रिएटिवली यू हैव टू सरेंडर टू द कैमरा टू द ऑडियंस एंड एवरीथिंग सो उस वक्त आपको नहीं सोचना है कि क्या लगे यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द कैमरा त्रिदा कोरियोग्राफर कौन था बहुत बखूबी किया कोरियोग्राफ किया आपने एंजॉय भी कर रही थी आप गाने कौन था कोरियोग्राफर उसके बारे देव जी और ऋषि देव थापे कोरियोग्राफर हैं जो गणेश आचार्य जी के बहुत समय से गणेश आचार्य जी के टीम में रहे उनको उन्होंने असिस्ट किया है और इसका जो डायरेक्शन किया है वो ऋषि कुमार और देव थापे ने मिलकर किया है एंड आई एम सो हैप्पी गणेश सर हैज शेयर्ड आवर सॉन्ग एग्जैक्टली उन्होंने पोस्टर अनवील किया था अब तो ये बड़ी बात है प्रणव जी गाने क्लास में कोई लड़का आया था उसको हम परिचय दे कौन है जरा उसको बुलाएं उनको बुला लेते हैं उनको बुलाते हैं रुकिए पहले मैं ये बताता हूँ वो जो लड़का है वो जो आप देख रहे होंगे अंत में कह रहा है वो कह रहा है कहाँ गया मेरा पैसा कहाँ गया वो प्रोड्यूसर भी है प्लीज वेलकम विनोद पालीवाल जी नमस्कार पलवीर जी आपको जैसे मैंने कैमरे पे देखा इस सिग्नल का जैसे मेरे सामने युजवेंद्र चहल है और एक्चुअली ये बात करें तो मेरे साथ ये भी हुआ था हम फर्स्ट टाइम जब गए थे ना वृंदा जी से हमारी पार्टनर है उनसे मिलने तब हम रास्ते में आ रहे थे तब हम वहाँ पे रुके थे नाश्ता करने में तो वहाँ पे कोई बंदा आया था सेल्फी लेने नीचे उधर सर सर सेल्फी युजवेंद्र चहल मैंने कहा नहीं नहीं लेकिन सच में पालीवाल साहब आपकी फिटनेस बड़ी कमाल की इसका कुछ राज है कोई पंडा है हमसे प्लीज प्लीज बता दे राज कुछ नहीं है पता नहीं कुदरती सही है ऐसे ही शुरू से सर आपको गाने में लाने का एक डिसीजन आपका था कि इन लोगों ने फोर्स किया कि प्रोड्यूसर साहब भी आ जाओ नहीं नहीं मतलब जैसे प्रणव भाई इन्होंने कहा था कि थोड़ा आप भी देखो फिर इस हिसाब से मैं आया पहले आपका क्या रिएक्शन था पहले रिएक्शन ये था प्रोड्यूस करना सॉन्ग को हिट करना बड़ा बड़ा काम करना आग वो मेरे दिल को लगा के राग में मेरे मुझको मिला के हमको कर गए धुआं हमको कर गए धुआं 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 पीछे ले लो प्रणव जी म्यूजिक डायरेक्टर अगर पुणे की शान आइए और अनवर शेख जी राजनीति में उतने ही सक्रिय हैं जितने सिनेमा में आप दोनों मिडिल में आ जाओ म्यूजिक डायरेक्टर विवियन रिचर्ड जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सर 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 मोबाइल थोड़ा पीछे प्रेम बड़ा सिंगर नकाश आज नहीं है आई एम सो सॉरी फॉर दैट मैं बाकी अपने टीम के मेरे जो डायरेक्टर हैं यहाँ है ऋषि कुमार प्लीज आ रहे हैं ऋषि कुमार हमारी